हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। राजमा चावल बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को पंजाब, दिल्ली और यूपी साइड में बहुत ही पसंद करते हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने 2 कप राजमा लिया है। राजमा को रात भर भिगोकर रखा हुआ था। आप इसे 6 घंटे भी भिगोकर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, इलायची, 1 तेज़पत्ता और जीरा, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टमाटर का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ता कटा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट। राजमा को पहले 2-3 पानी से धो लें। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दें। अब पानी डालेंगे, पानी इतना कि राजमा से आधा इंच ऊपर आ जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि राजमा जल्दी से पक जाए। इसे बंद करके 3 सीटी आने तक पकने देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं। राजमा उबलकर तैयार है, मैंने 1 बाउल में निकाल लिया है। नेक्स्ट हम पैन लेंगे, पैन में तेल डाल देंगे और इसे गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद इसमें तेज पत्ता, जीरा और इलायची डाल दें। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद 2 हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और पेस्ट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद 2 मिनट तक फ्राई कर लें। पेस्ट में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। अब नेक्स्ट नमक डालेंगे। नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। नमक पहले भी मैंने राजमा में डाला था, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मसालों में से तेल अलग हो गया है, यानी कि मसाला अच्छे से पक गया है। अब राजमा को मसालों में डाल देंगे। राजमा को मसालों में मिला लें। मिलाने के बाद इसमें थोड़ी देर के बाद गरम मसाला डाल दें, इसे भी मिक्स कर लें। मसाला मिक्स हो गया है, अब राजमा में पानी डालेंगे। मैंने राजमा उबाला था, उसका ही बचा हुआ पानी डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर मिला देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर अच्छा आता है। अब इसे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने दें।
3 मिनट हो गए हैं, राजमा को देख लेते हैं। ये देखिए राजमा बनकर रेडी है। इसे थोड़ा मिला लेते हैं। ये देखिए कितना शानदार राजमा बना है। अब इसे ढककर रख देते हैं और जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिया है। इसे धो लेते हैं। धोने के बाद प्रेशर कुकर में तेल या घी डालें और फिर इसमें जीरा और 1 इलायची डालें। फ्राई होने पर चावल डालें। चावलों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालें और हरा धनिया नमक डालकर मिला लें। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पकने दें। ये देखिए मैंने राजमा को बाउल में निकाल लिया है। राजमा देखने में कितना अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी। और ये देखिए चावल भी बनकर तैयार हैं। चावल एकदम खिले खिले बने हैं। एक एक दाना अलग है। राजमा चावल को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने राजमा चावल को सर्व कर लिया है। ये जितना देखने में टेस्टी है उतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको राजमा और जीरा राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू।